श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों 18 सितंबर 2024 चंद्र ग्रहण के दिन घर में इस जगह पर रख देना तीन हरी इलायची माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति और एक ही दिन के किए हुए इस उपाय से आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और खुशियों से भर जाएगा आपका घर बन जाओगे आपका करोड़पति क्योंकि दोस्तों इस बार जो चंद्र ग्रहण अट्ठारह सितंबर के दिन पड़ रहा है यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं है बल्कि इसको महा चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है जिसका इंतजार न केवल पूरी दुनिया के ज्योतिष तांत्रिक बल्कि वैज्ञानिक भी बड़ी ही बेसब्री से करते हैं और आपकी जानकारी के लिए बता दें जब भी चंद्र ग्रहण लगता है इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष असर बारह की बारह राशियों पर पड़ता है चंद्र ग्रहण एक अशुभ घटना मानी जाती है इसको खगोलीय घटना भी बोला जाता है इस दौरान जितनी भी दैवीय शक्तियां हैं इनका असर लगभग लगभग न के बराबर हो जाता है और नकारात्मक शक्तियों का असर बहुत तेजी से बढ़ जाता है इसीलिए आपने देखा भी होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं वह पूरे साल चंद्र ग्रहण का का इंतजार करते हैं क्योंकि इस दिन कोई भी अगर आप उपाय करेंगे उसका आपको पलट करके लाभ मिलेगा ही मिलेगा और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दिन या तीन हरी इलायची वाला उपाय कर लिया जिसके बारे में हमारे धर्म शास्त्रों में बताया गया है तो दोस्तों तो सिर्फ एक दिन के किए हुए इस उपाय से, से आपको अपने जन्म जन्मांतर के गरीबी परेशानी दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी आएगी आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद कैसे सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा रहेगा दोस्तों चंद्र ग्रहण के दिन ही पूर्णिमा भी पड़ रही है जिसका मतलब यह है कि यह वही रात होती है जिस रात माता लक्ष्मी जी हमारे घर पर वाह करने आती है और इस रात अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए यह उपाय कर लेते हैं जो आपको हम वीडियो में तुरंत बता रहे हैं तो दोस्तों आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिल सकता है जिसने बाद आपके जीवन से आपको आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे धन की कभी आपको कमी नहीं होगी शायद यह बात आपको न पता होगा कि माता लक्ष्मी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है तो उसमें हरी इलायची का अवश्य ही इस्तेमाल किया जाता है इसको बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है और लाभकारी माना जाता है दोस्तों हरी इलायची का प्रयोग केवल खाने के रूप में ही नहीं किया जाता है बल्कि हिन्दू धर्म में कई पूजा पाठ पर विशेष अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किया जाता है हिंदू धर्म में हरी इलायची का विशेष महत्व होता है तो आप लोगों को यह तीन हरी इलायची वाला उपाय पाए चंद्र ग्रहण के दिन जरूर कर लेना है तो दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना के समय है मैं तो सबसे पहली बार दोस्तों हम समझते हैं कि यह तीन हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है तो देखिए अधिक यहाँ पर सीधी सी बात है आदि यह तीन हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है कि किस लिए किया जा रहा है ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो गई तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवाने हो जाएगा और अगर कोई भी माताएं बहने जो है है अपने घर की सुख और शांति के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती है तो घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी वह तीन हरी इलायची वाला उपाय को है को विशेष रूप से करेगा क्योंकि माताएं बहने घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है अन्यथा था इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है चाहे वह बड़ा होना चाहे वह छोटा होता चाहे वह बच्चा हो चाहे जिस व्यक्ति को यह तीन हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया गया वह व्यक्ति इस तीन हरी इलायची वाला उपाय को चंद्र ग्रहण के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा क्योंकि 18 सितंबर 2024 चंद्र ग्रहण चंद्रग्रहण के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं तो आइए अब हम समझते हैं कि इस तीन हरी इलायची वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है में वह क्या हो गया तो देखिए इस 18 सितंबर 2024 चंद्र ग्रहण के दिन किए जाने वाले वाले या तीन हरी इलायची वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय प्रातः काल का समय होगा होगा आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस तीन हरी इलायची वाला जो उपाय को कर लें पर किसी कारण वश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा प्रदोष काल का रहेगा अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाए आता है कि भाई भाई यह समय होता है कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए तो हम आपको बता दें प्रदोष काल का जो एक समय होता है शाम का समय होता है शाम के छह बजे से लेकर शाम के सात बजे के बीच का इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा तो शाम के छह बजे से लेकर शाम के सात बजे के बीच में आप लोग इस तीन हरी इलायची वाला जो उपाय को कर सकते हो तो बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और ने में हमें देर हो जाती है तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए तो देखिए कि उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है आप आपको आने में सात बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो तो भाई आप सात या रात आठ बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा और अगर इससे इस भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आपको उपाय को कर सकते हो क्योंकि 18 सितंबर 2024 चंद्र ग्रहण का दिन है यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार इसलिए जब आपको मकान मिल जाएगा जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो चंद्र ग्रहण के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो कर लो पर किसी कारण वश अगर न कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी चंद्र ग्रहण का दिन पड़े पड़े तो आपको सिर्फ़ तीन हरी इलायची वाला उपाय करना है इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं आर्थिक तंगी चल रही है कई कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं तो आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस भाद्रपद चंद्र ग्रहण के दिन जरूर करना चाहिए तो चलिए चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में रही चलिए जानते हैं पूजे गुरु द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय आय के बारे में इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी तीन डी हरी इलायची अब तीन हरी इलायची चंद्र ग्रहण की रात तीन हरी इलायची घर में इस जगह पर फेंक देना धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नज़र दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा रहेगा घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जी से दूर हो जाएगा दोस्तों अगर आप भी चाहते हो मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त करना तो इस चंद्र ग्रहण के दिन दो लौंग और दो इलायची पर्स में इस तरह से रख लेना लेगा इस उपाय को अगर आपने किसी भी चंद्र ग्रहण के दिन कर लिया तो मां लक्ष्मी की कृपा बरसने में देर नहीं लगेगी और आपका पूरा जीवन जो है जो है वह सुख के साथ व्यतीत होगा और धन धान्य से आपका पूरा घर भर जाएगा इतना धन आपको आपके जीवन में मिल जाएगा दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में बताएंगे आपको दो फूल वाली लौंग और दो इलायची आपको अपने पर्स में किस तरह से रखनी है और कैसे यह दो लौंग और दो इलायची आपको रातों रात धनवान बना देंगे आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को दूर कर देंगे तो देखिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में उसे खूब सारा पैसा मिले हमें अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए हैं ना बड़े बड़े छोटे छोटे सपनों को पूरा कर सकेगा लेकिन धन की कमी कम अगर जीवन में है तो फिर व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में दुखी रहता है क्योंकि वह अपने छोटे छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाता है और आज की वीडियो में जो उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें कि आपको लौंग और इलायची से उपाय करना है सिर्फ आपको अपने पर्स में ये दो चीजें रखने मात्र से इतना बदलाव दिखेगा इतना चमत्कार दिखेगा कि रातों रात आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा जहां से आपने सोचा भी नहीं था न वहां से भी आपको लाभ मिलेगा जिसका को छू लेंगे उसमें सफलता मिलेगी जिस चीज़ में हाथ डाल देंगे उसमें आप ऐसा समझ लिए सोना ही निकलेगा लेगा कहने का मतलब है जिस काम को कर लेंगे लेकिन ना उसमें इतना लाभ मिलेगा कि जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि लौंग और इलायची के जितने भी उपाय और टोटके होते हैं यह इतने चमत्कारी होते हैं कि रातों रात अपना असर दिखाता हैं, और दूसरी चीज की जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करेंगे हमेशा आप देखेंगे कि धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे तुरंत प्रसन्न हो जाती है दूसरी चीज जब भी आपने लौंग का कोई भी उपाय कर लिया हमेशा आपके घर से आपके आसपास से नजर दोष वास्तु दोष कोई भी टोना टोटका इस तरह की चीजें होती है हमेशा आपसे दूर रहती है तो आज की वीडियो में जो उपाय लेकर आए हैं यह आपको चंद्र ग्रहण के दिन करना है अब के समय करना है कैसे करना है वहां आपको वीडियो में बताने वाले हैं वाले लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें तो चलिए बात कर लेते हैं हरी इलायची आपको कितनी लेनी है दो हरी इलायची लेनी है दो लेनी है यहाँ पर आपको फोन वाली लॉकडाउन दो फूल वाली लौंग और दो हरी इलायची इलायची सबसे पहले आपको क्या करना है माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने चंद्र ग्रहण के दिन आपको रख देना है चाहे सुबह को रख दो या शाम को रख दो एक से डेढ़ घंटे या दो तीन घंटे आप उसे ऐसे ही रखा रहने देंगे हरी इलायची को और दो लौंग को फूल वाली लौंग लेनी है अब देखिए देखा देखी एक देसी घी का दीपक लगाएंगे लंबी वाटिका दिया माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने आने और माँ लक्ष्मी का जो बीज मंत्र होता है महालक्ष्मी नमो नमो नम इस मंत्र का आपको ग्यारह बार जप करना है अगर आपको मंत्र नहीं आता है आपको ध्यान नहीं रहता है तब कोई बात नहीं है आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लें बस अब देखिए कि आपको करना क्या है क्या यह दो फूल वाली लौंग जब आप पूजा पाठ कर लेंगे उसके थोड़ी देर बाद, बाद दो तीन घंटे बाद आपको क्या करना है कि यह दो लौंग और दो हरी इलायची को उठाना है और चंद्र ग्रहण के दिन ही चाहे सुबह में रखो चाहे रात को रखो को किसी भी समय समय बारह बजे से पहले पहले उठाकर इसे अपने पर्स में रखना है माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का होगा फिर से आपको ध्यान करना है उनसे कहना है कि है माँ लक्ष्मी के श्री हरि विष्णु मेरे धन को हमेशा बढ़ाना मेरी तिजोरी जोड़ी मेरा पर्स कभी पैसों से खाली न हो मेरे जीवन में कभी फ़िजूल खर्ची न हो न हो ऐसा कहकर आप यहाँ यह हरी इलायची दो हरी इलायची और दो फूल वाली लॉकडाउन चुपचाप से अपने पर्स में रख लेना ज्यादा गया था इसके बारे में आपको किसी से कहना नहीं है किसी को बताना नहीं है अगर घर में किसी को पता होता है ठीक है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने हर किसी से कह दिया हर किसी को बता दिया है ना ऐसा नहीं करना है तो देखिए कि जब भी आप यह दो लौंग और दो हरी इलायची अपने पास रखते हैं विशेषकर चंद्र ग्रहण के दिन तो इससे होता क्या है सबसे पहले तो आपका भाग्य है कि वह बहुत मजबूत हो जाता है आपके भाग्य में जो धन आना रुक गया था, था ना जो पैसा आपके पास नहीं आ रहा था बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है और धन का संकट का बहुत तेजी के साथ जीवन से दूर होता चला जाता है जो लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा रुकता नहीं है पैसा आता है लेकिन फिजूल खर्ची बहुत होती है पानी की तरह पैसा बहता है दवाइयों में चला जाता है दुर्घटना में चला जाता है तो बहुत ज्यादा, ज्यादा ज्यादा जिन लोगों के घर में धन की बर्बादी है उन्हें तो हमेशा अपने पर्स में दो लौंग और दो इलायची रखनी चाहिए क्योंकि देखिए लॉन्च होती है दी है बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर किसी की नज़र दोष लग जाए बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं चाहते हैं आप अपने जीवन में आगे जाए सफलता को प्राप्त करें बहुत सारे लोग होते हैं ऐसा नहीं सभी लोग होते हैं लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं तो जब भी आप अपने पर्स में रखेंगे ना तो आप देखेंगे की आपका पैसा आपके घर में आएगा आएगा सबसे पहले तो कभी भी वह बर्बाद नहीं होगा आपकी फिजूल खर्ची नहीं होगी आपका पैसा पानी की तरह कभी नहीं बहेगा रहेगा अच्छी चीजों में आपका पैसा जाएगा कभी भी दवाइयों में दुर्घटना में ऐसी चीज में पैसा नहीं जाता है जब भी आप चंद्र ग्रहण के दिन दो फूल वाली लौंग अपने पर्स में रख लेते हैं दूसरी चीज अगर आपको नजर लगी है तो दूर हो जाएगी नज़र लगने वाली है अगर है ना कहना बहुत सारे लोग हैं जिनकी नज़र लग जाती है तो कभी भी आपको और आपके पैसे को नज़र नहीं लगेगी जब आप अपने पर्स में दो लौंग रखते हैं चंद्र ग्रहण के दिन अच्छा हरी इलायची जो आप दो रखते हैं तो यह दो हरी इलायची जिसमें की मां लक्ष्मी और श्री हरी विष्णु का आशीर्वाद है दो हरी इलायची अपने पर्स में रखने से बहुत तेजी के साथ आपके पास धन आना शुरू हो जाता है क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास करती है जहाँ पर भी सुगंधित वस्तुएं होती है धन की देवी माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है जब भी आप इलायची का कोई भी उपाय करते हैं जिन लोगों ने यह उपाय किया है या उन्हें पता है और आपने नहीं किया है या या आपको नहीं भी पता है तो आप एक बार इस उपाय को करके देखें आप खुद देखेंगे कि हरी इलायची कितना चमत्कारी है कैसे से यह आपके जीवन में पैसे को लेकर आती है और आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करती है दूसरी चीज इलायची अपने पास रखने से आप अपना शुक्र ग्रह मजबूत कर लेते हैं अब शुक्र ग्रह जो होता है हमें धन दे ने का काम का हमें अच्छी लाइफ देने का काम हमें सारी सुख सुविधा देने का काम कौन करता है हमारा शुक्र ग्रह ही करता है और कुंडली में शुक्र को ही मजबूत कर लिया गया तो फिर हम ऐसी लाइफ जीते हैं न कि जो हमें चाहिए वह हमें फटा से मिल जाता है, है न जो हमने सोचा वह हमारे पास आ गया हमने सोचा आज हमें घर खरीदना है या कुछ समय बाद खरीदना है तो कुछ न कुछ ऐसा होता है कि आपके पास पैसा भी आता है और आप अपना घर भी खरीद पाते हैं क्योंकि यहाँ पर आपने सीधे सीधे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लिया है हरी इलायची अपने पर्स में रखकर हमेशा आपका पर्स पैसों से भरा रहता है जब भी आप हरी इलायची और लौंग अपने पर्स में रखते हैं तो किसी भी चंद्र ग्रहण के दिन इस उपाय को जरूर करेंगे बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे की अब इस हरी इलायची को और लौंग को क्या ऐसे ही रखे रहना है इसको आपको ऐसे ही रख कर रहना है जब कोई भी ग्रहण वगैरह पर जाता है तब इसको आप बदल लेंगे फिर से चंद्र ग्रहण के दिन इसी तरह से उपाय करके आप इसको रख लेंगे ग्रहण है कोई भी ग्रहण पड़ता है सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण है न तो उस टाइम के बाद आपको इसे बदलना है अब चलिए से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय किया जो कि चंद्र ग्रहण के दिन आपको करना है देखिए सबसे पहले आपको बता दें जहाँ पर साफ सफाई होती है ना जिस घर में जाले नहीं होते जहाँ हमेशा साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है वहाँ हमेशा धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है तो कोशिश करें कि आप हमेशा जब जब चंद्र ग्रहण का दिन पड़ता है न यह शनिवार है और है नशाने का दिन में तो चंद्र ग्रहण के दिन सफाई करें अपने घर में या शनिवार के दिन करें करें इस उपाय को भी अगर आप करते हैं ना कहना आप देखेंगे कि इनकम पैसे का जो सोच है से आपके घर में बहुत तेजी के साथ बढ़ता है बहुत तेजी के साथ आपके पास पैसा आना शुरू हो जाता है तो यह दूसरा उपाय है आएगा क्योंकि साफ सफाई से भी आप अपने पास पैसा खींचने का काम